एक और जबरदस्त मैच दोस्तों, सीआई सब के मध्य और दूसरी तरफ टीम है अंबे अकेडमी बहादुरगढ़ और टॉस जीत लिया है टीम चॉइस स्कॉट। एक बार दोनों टीमें लाइन अप हो जाए। कोच साड़ी अमन गांवगढ़वाल इस समय पहली रेड करती हुई सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल के पद पर ये बेटी कार्यरत है। बहुत ही प्रतिभावान बेटी नेशनल कबड्डी की, लेकिन सामने जो टीम है वो बड़ी बेहतरीन टीम है। हम भाई अनिल जी का ग्राउंड पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। और भाई अब रेड पर दीपा इस समय रेड करती हुई आईटीबीपी में ये बेटी कार्यरत है। बहुत ही प्रतिभावान बेटी है और जय अंबे स्पोर्ट्स क्लब में इस बेटी ने अभ्यास किया कबड्डी का। बहुत ही प्रतिभावान बेटी, अच्छा मैच आपके बीच में होगा। और अब रेड पर पांच नंबर जर्सी की खिलाड़ी ममता इस समय रेड करती हुई सीएसएफ की तरफ से। और लीजिए भाई दर्शक साथियों, बिल्कुल कैच लगा दी है, पॉइंट अर्जित किया अंबे स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम ने। साक्षी ने कैच लगाई है, साक्षी भी आईटीबीपी में कार्यरत है। बहुत ही अच्छा मैच। अब रेड पर सलोने इस समय रेड पर, बोनस का अटेम्प्ट किया है, लेकिन बोनस पर जो अंतिम मोहर होती है वो ऑफिशियल की है। बिल्कुल परशूट किया कॉर्नर ने, पॉइंट अर्जित किया। आप कबड्डी के मैदान में और युद्ध के मैदान में अपने विरोधियों को पीठ नहीं दिखा सकते, अन्यथा अंजाम यही होता है। दीपा इस समय रेड पर, बहुत ही अच्छा मैच होगा। दोनों टीमें बड़ी बेहतरीन है, अच्छी टीमें हैं। एक एक पॉइंट के लिए दोनों टीमों के बीच में फाइट चलेगी। फिर रेड पर ममता सीआईएसएफ की तरफ से रेड करती हुई। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सीआईएसएफ टीम का, उनके कोच साहब का, कि आप हमारे इस टूर्नामेंट में एक छोटे से निमंत्रण पर अपनी टीम लेकर आए। अंबे स्पोर्ट्स अकेडमी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनके कोच सरिता मैडम का भी धन्यवाद करते हैं कि आप इन बेटियों को हमारे बीच से कबड्डी की प्रतिभा दिखाने के लिए लेके आए हैं। मैं भाई छोटे का हार्दिक स्वागत करता हूँ ग्राउंड पे पहुंचने पर। अब रेड पर दीपिका इस समय रेड पर, भाई दर्शक साथियों ताली मारो भाई दर्शक साथियों। बिल्कुल दो पॉइंट लेने में कामयाब रही, बहुत ही अच्छा मैच चलेगा। कमजोर दिल के दर्शक थोड़ा मैदान से दूर चले जाएं, क्योंकि दोनों टीमें बड़ी बेहतरीन हैं। अब अमन गांव गढ़वाल इस समय रेड पर, बिल्कुल अच्छा डिफेंस खेलता हुआ अंबे स्पोर्ट्स अकेडमी की टीम का। और अच्छा पर शूट किया है साक्षी ने, पॉइंट अर्जित किया अपनी टीम के लिए। अब रेड पर आठ नंबर जर्सी की खिलाड़ी अंतिम गांव कलाली जिला चरखी दादरी, बहुत ही प्रतिभावान बेटी है। और एक पॉइंट लेने में कामयाब। भाई अगला जो मैच होगा वो केलंगा ए वर्सेस बीबीडी वजीराबाद में तैयार हो जाए भाई, केलंगा ए वर्सेस बीबीडी वजीराबाद, दोनों टीमें अगले मैच के लिए तैयार हो जाए। अब सीएसएफ की तरफ से रेड अंतिम इस समय रेड करती हुई। जे एम्बे स्पोर्ट्स अकेडमी का स्कोर है 5 और सीएसएफ का स्कोर है भाई 2। अब 8 नंबर जर्सी की खिलाड़ी अंतिम इस समय रेड करती हुई हेड कांस्टेबल के पद पर ये बेटी सीएसएफ में कार्यरत है, गांव कलाड़ी, जो कि आदमपुर गांव के नजदीक का गांव है कलाड़ी, चरखी दादरी जिले का गांव है। हरण रेड डू डाई रेड 5 के डिफेंस में दीपिका इस समय रेड करती हुई। 30 सेकंड का समय और समय अपनी गति से चलता है भाई। और लीजिए भाई रेडर आउट, पॉइंट मिला सीएसएफ की टीम। ममता इस समय रेड पर, डिसाइड रेड डू ऑर डाई रेड।
और बिल्कुल ममता ने पॉइंट अर्जित कर लिया अपनी टीम के लिए। बहुत ही अच्छा मैच चलता हुआ दोनों टीमों के बीच में। लानी से ठीक है तो ठीक है ठीक। दो ग्राउंड पर डबल चाहिए, हाथ पर डबल चाहिएगी, तो दो ग्राउंड आई लानी से टीम तो देख सबसे बता रहा है बार। मैं कौन सी जस्ट रेड मनीषा इस समय थर्ड रेड करते हुए 7 नंबर जर्सी की बेटी अम्बे स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से। और भाई बिल्कुल सीआईएसएफ ने कैच लगा दी है, दोनों पैरों में डाई लगाई अंतिम ने पॉइंट। ममता थर्ड रेड डू और डाई रेड करती हुई दो खिलाड़ियों के डिफेंस में सुपर टैकल ऑन। और लीजिए भाई साथियों 2+2 4 पॉइंट, एक ऑल आउट लगा दिया इस रेड पर दीपिका। जितनी भी पुरुष वर्ग में टीमें आई है सभी टीमें अपनी एंट्री करा दे। और भाई कल गांव मिर्जापुर पासौद में पूरा ही ठल है टेप खत्म भाई तीस। हो चुकी है पूछी भाई ने करे भाई मोनी अतवाला की एंट्री कर लेना एक बार ललित भाई। मोनी अतवाला पुरुष वर्ग में मोनी अतवाला टीम मोनी अतवाला जिला जींद। सीआईएसएफ की टीम 8 पॉइंटों से आगे चल रही है 14-6 का स्कोर इन फेवर ऑफ सीआईएसएफ। जो भी लड़कों की टीम में आई हुई है कृपया करके एंट्री करा दे। रेड आउट सुपर टैकल 2 पॉइंट अम्बे स्पोर्ट्स एकेडमी और 15 पॉइंट सीआईएसएफ 8-15 का स्कोर। सुपर टैकल ऑन और भाई ममता इस समय रेड पर। और इस मैच में अब तक की बात करें तो सीआईएसएफ की तरफ से अगले जो मैच की टीम है दोनों टीमें तैयार हो जाए। बीबीडी वर्सेस केलंगा ए, बीबीडी वर्सेस केलंगा ए दोनों टीमें तैयार होकर मैदान के नजदीक आ जाए। बीबीडी वर्सेस केलंगा ए दीपा इस समय रेड पर। अब सीएसएफ की तरफ से रेड सुपर टैकल ऑन, दो खिलाड़ी इस समय ग्राउंड पर हैं अम्बे स्पोर्ट्स अकेडमी के। और लीजिए भाई दर्शक साथियों एक और सुपर टैकल लगा दिया है 2 पॉइंट का इस समय रेड करती हुई। आईटीबीपी में कार्यरत है ये खिलाड़ी और अम्बे स्पोर्ट्स अकेडमी में अभ्यास किया था, आज उसी टीम का हिस्सा है। पॉइंट लेने में कामयाब रही 13-16 का स्कोर। भाई अगले मैच के लिए केलंगा वर्सेस बीबीडी
भाई अगला जो मैच है के... सभी टीमें तैयार रहे, पुरुष वर्ग की कोई टीम आई है तो आकर अपनी एंट्री करवा सकते हैं, जिस टीम को खाना खाना है वो अपना टोकन लेके स्टेज से। स्कोर 3 पॉइंटों सीएसएफ की टीम आगे है, 3 पॉइंटों की लीड। नेशनल स्टाइल कबड्डी में आप संतुष्ट नहीं हो सकते, कबड्डी की जा सकती है और टाइम आउट लिया जगह रेड डिसाइड रेड और 4 खिलाड़ियों का डिफेंस, दोनों को इस समय ग्राउंड पर है अंबे स्पोर्ट्स एकेडमी के, जो कभी भी पलक झपकते का शिकार कर सकते हैं। और लीजिए भाई साथियों, बिल्कुल कैच लगा दी है और पॉइंट अर्जित स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम। एंट्री नहीं ली जाएगी, थर्ड रेड डू एंड आई रेड, 4 के डिफेंस में इस समय अंबे स्पोर्ट्स एकेडमी की तरफ से मनीषा रेड करती हुई। और ली एक और डाई लगा दी है अंतिम ने पॉइंट अर्जित। थर्ड रेड और सीएसएफ की तरफ से 5 नंबर जर्सी की है बेटी ममता इस समय रेड करती हुई। और लीजिए भाई दर्शक साथियों, बिल्कुल एक और कैच लगा दी है अंबे स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम ने, बहुत ही अच्छा। और हाफ टाइम 2 पॉइंटों से अब तक इस मैच में। और सेकंड हाफ की पहली रेड दीपिका इस समय रेड। और भाई कल पुरुष वर्ग कबड्डी का टूर्नामेंट है गांव मिर्जापुर बासौद, जो कि बिल्कुल अटेली कस्बे के नज़दीक का गांव है, उसमें पहला इनाम 31,000, दूसरा 21,000, तीसरा 11,000 और सभी टीमों को 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से किराया दिया जाएगा। अगले मैच के लिए बीबीडी वर्सेस केलंगा ए, ये दोनों टीमें तैयार हो जाए, बीबीडी वर्सेस केलंगा ए। और लीजिए भाई साथियों, बिल्कुल कैच लगा दी है दीपिका को सीएसएफ। थर्ड रेड डू और डाई रेड सीएसएफ की तरफ से, 4 खिलाड़ियों का डिफेंस अंबे स्पोर्ट्स एकेडमी, दोनों कॉर्नर अभी भी ग्राउंड पर है और कभी भी कैच बना सकते हैं साथियों। बिल्कुल कैच लगा दी है, एक और पॉइंट अर्जित किया अंबे स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम। उन्नीस 17 का स्कोर, 2 पॉइंटों से सीएसएफ की टीम आगे है। थर्ड रेड डोर डाई रेड, और पॉइंट अर्जित किया सीएसएफ की टीम ने।
थर्ड रेड रेड राउंड पॉइंट टू अंबे स्पोर्ट्स अकेडमी हमारे ऑफिशियल विकास जी की तरफ से कि भाई आप मैच में किसी भी तरह की आपत्ति पैदा नहीं करें। अब रेड पर अंतिम सीएसएम की तरफ से रेड पर ये जितनी भी बाहर से टीम आई हुई है ना ये अपने खाना ले ले क्योंकि आप भोजन कर सकते हैं। थर्ड रेड मनीषा इस समय रेड पर और भाई एक और पॉइंट अर्जित कर लिया है अंबे स्पोर्ट्स अकेडमी की टीम ने। अंबे स्पोर्ट्स अकेडमी 5 से 6 मिनट के समय से 2 पॉइंटों की लीड बराबर चल रही है। और लीजिए बात दर्शक साथियों ताली बजाओ भाई। स्कोर बिल्कुल हो चुका है दोनों टीमों का 21-21 का स्कोर 21-21 का स्कोर हो चुका है। अंबे स्पोर्ट्स अकेडमी इस मैच में सीएसएफ की बराबरी पर आ चुकी है। और लीजिए भाई रेडर आउट 1 पॉइंट अंबे स्पोर्ट्स अकेडमी 1 पॉइंट से अंबे स्पोर्ट्स अकेडमी की टीम इस मैच में आगे आ चुकी है 22 पॉइंट अंबे स्पोर्ट्स अकेडमी। ताली मारो भाई दर्शक साथी जबरदस्त प्रयास। और लीजिए भाई 3 पॉइंट और मिले अंबे स्पोर्ट्स अकेडमी को। अंबे स्पोर्ट्स अकेडमी का स्कोर 25 सीएसएफ का स्कोर 21 21-25 का स्कोर 4 पॉइंटों से अंबे स्पोर्ट्स अकेडमी की टीम आगे आ चुकी है। और बिल्कुल कैच लगा दी है 26-21 का स्कोर सीएसएफ और अंबे स्पोर्ट्स अकेडमी के बीच में ये मैच 26-21 स्कोर 5 पॉइंटों से टीम आगे है अंबे स्पोर्ट्स अकेडमी। परसूट किया था लेकिन लालच बुरी बला है 1 पॉइंट मिला अंबे स्पोर्ट्स अकेडमी की टीम को। और अंबे स्पोर्ट्स अकेडमी की टीम काफी आगे आ चुकी है। अभी डिसाइड रेड दीपिका इस समय डिसाइड रेड करती हुई रेड राउंड पॉइंट मिला सीएसएफ की टीम को। बोनस टू रेडर छब्बीस पॉइंट और 27 पॉइंट अंबे स्पोर्ट्स अकेडमी 26-27 का स्कोर 1 पॉइंट की लीड बची है अंबे स्पोर्ट्स अकेडमी की टीम की। और एक और पॉइंट अर्जित कर लिया अपने स्पोर्ट्स अकेडमी की टीम का स्कोर 28 सीएसएफ का स्कोर 26 और भाई अब सीएसएफ की तरफ से अंतिम इस समय रेड पर
और मैं बिल्कुल पॉइंट लेने में कामयाब रही। अंतिम बहुत ही अच्छी खिलाड़ी नेशनल कबड्डी की हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है सीएसएफ में ये बेटी, अब रेड पर दीपिका रेड करती हुई, आईटीबीपी में कार्यरत है ये बेटी। सभी अच्छी टीमें यहाँ बुलाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारी बादशाहपुर खेल कमेटी का, और विशेष तौर पे बुरा भाई साहब का धन्यवाद कि वो सभी टीमें उनके टच में हैं और उनके बुलाव पर यहाँ पहुंची है सभी अच्छी टीमें। आप देख रहे हो कि अंबे स्पोर्ट्स अकेडमी और सीएसएफ के बीच में ये मैच है। और लीजिए भाई साथियों, बिल्कुल कैच लगा दी है, पॉइंट अर्जित किया। थर्ड रेड डू ऑर डाई रेड, दीपिका इस समय रेड पर आईटीबीपी में कार्यरत है ये खिलाड़ी, और बिल्कुल दो पॉइंट लेने में कामयाब रही। अब एक बार फिर अंबे स्पोर्ट्स अकेडमी की टीम एक अच्छी लीड में आ चुकी है, 31-27 का स्कोर, 4 पॉइंटों से आगे चल रही है अंबे स्पोर्ट्स अकेडमी की टीम। रेड राउंड एक और पॉइंट अर्जित किया। आप ग्राउंड पर आकर मैट शूज पहन लें, दोनों टीमें केलंगा वर्सेस बीबीडी, ग्राउंड नंबर 2 पर आप आकर मैट शूज पहन सकते हैं। और वह लीजिए साथियों, अब ये धीरे धीरे सुनिश्चित हो चुका है कि आज के इस महामुकाबले में अंबे स्पोर्ट्स अकेडमी की टीम आगे चल रही है, बिल्कुल जीत के अपने नजदीक है। सीआईएसएफ वर्सेस अंबे स्पोर्ट्स अकेडमी की टीम के बीच में ये मैच, अंबे स्पोर्ट्स अकेडमी की टीम इस मैच में भारी पड़ती हुई। वन पॉइंट सीएसएफ। थर्ड रेड और भाई सुपर टैकल ऑन, यह इस खेल की खूबसूरती है। आखिरी के 3 मिनट से यदि यहां सुपर टैकल लगता है तो फिर एक बार सीएसएफ की वापसी हो जाएगी। दोनों टीमों के बीच में अच्छा मुकाबला चलता हुआ, लेकिन सभी संभावना निरस्त कर दी सलोनी ने, पॉइंट अर्जित किया अपनी टीम के लिए। टाइम आउट अंबे स्पोर्ट्स अकेडमी का स्कोर। और 31-34, 3 पॉइंटों से जयंबे स्पोर्ट्स अकेडमी की टीम आगे है। और आखिरी 2 मिनट से कम समय बचा हुआ इस मैच में, और अब 5 के डिफेंस में सीएसएफ की तरफ से रेड, सॉरी 4 के डिफेंस में सीएसएफ की तरफ से रेड, और 3 पॉइंटों से अंबे स्पोर्ट्स अकेडमी की टीम आगे है। हार जीत अलग चीज है, दोनों ही टीमें बड़ा अच्छा खेल रही है। और अब दीपिका इस समय रेड पर, दीपिका को भलीभांति पता है कि टीम आगे चल रही है। चंद मिनटों का यह खेल बचा हुआ है और समय का ये खेल है, बिल्कुल समय का पूरा इस्तेमाल कर रही है इस समय अंबे स्पोर्ट्स अकेडमी की टीम। 30 सेकंड के टाइमर में देखकर अपनी रेड का पूरा टाइम इस्तेमाल करना चाहती है अंबे स्पोर्ट्स अकेडमी। आखिरी 1 मिनट शेष, आखिरी 1 मिनट शेष, सीआईएसएफ 3 पॉइंटों से पीछे भाई, अंबे स्पोर्ट्स अकेडमी 3 पॉइंटों से आगे है। स्कोर हो चुका है बराबर, ताली बजाओ कर दोनों टीमों के लिए। अब अंबे स्पोर्ट्स अकेडमी के लिए चुनौती है कि उसे ऑल आउट बचाना है। थर्ड रेड टू एंड आई रेड, बहुत ही अच्छा मैच चलता हुआ दोनों टीमों के बीच में भाई। सिर्फ 2 मिनट है, लड़कों की टाई डालने जा रहे हैं, उसके बाद
हम ना किसी टीम के कोच की सिफारिश मानेंगे, ना किसी का प्रेशर मानेंगे। जो टीम हमारे पास आ चुकी है हम उन्हीं को ही खिलाएंगे। सिर्फ दो मिनट भाई, आखिरी दो मिनट का समय है, एंट्री करवा दे। और अब सीआईएसएफ की तरफ से रेड, लेकिन अब एक पॉइंट से साथियों बात नहीं बनेगी क्योंकि मैच समाप्त हो चुका है और अम्बे स्पोर्ट्स अकेडमी की टीम इस मैच में विनर रही है। ढेर सारी शुभकामनाएं उनकी टीम को, उनके कोच साहब को।